हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मूंग दाल का हलवा बनाना बता रही हूँ। हमने एक बाउल मूंग दाल लिया है, उसे 4 से 5 घंटा के लिए भिगा दिया है और उसे धोकर अच्छे से पानी अलग कर लिया है और हम उतनी ही शक्कर लेंगे जितना हमने दाल लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। 4 बड़े चम्मच घी लिया है, हमने 50 ग्राम खोया लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया है, 15 से 20 केसर के दाने को गुनगुने दूध में भिगा दिया है, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, हमने यहाँ पे 15 से 20 काजू लिए हैं और उसे उन्हें काट लिया है, ऐसे ही 15 से 20 हमने पिस्ता लिया है, उसे गुनगुने पानी में भिगा कर उनके स्किन को निकाल कर बारीक काट लिया है, बादाम को भी बारीक काट लिया है और किशमिश ली है। तो आइए अब हम मूंग दाल का हलवा बनाते हैं। और सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। हमने एक बाउल दाल ली थी तो उसी बाउल से हम 2 बाउल पानी डाल देंगे। और शक्कर डाल देते हैं और शक्कर को घुलने देते हैं। हम चाशनी में इलायची पाउडर डाल देते हैं। हमें चाशनी को 1 तार या 2 तार नहीं करना है, बस इसमें शक्कर को घुलने देना है, बस इतना ही पकाना है। जब तक चाशनी बन रही है हम दाल को पीस लेते हैं। हमने दाल को अच्छे से धो के सुखा लिया है, पानी एकदम नहीं है, इसे सूखा ही पीसे, नहीं तो आपको हलवा बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा उसे भूनने में। ये देखिए एकदम ड्राई है, इसे हम पीस लेते हैं। चाशनी तैयार हो गई है, शक्कर पूरी घुल चुकी है, इसे हम साइड रख देते हैं। अब हम एक पैन लेते हैं, उसमें हम घी डालेंगे। थोड़ा घी गर्म हो गया है, इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और इन्हें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। बस हमें ज्यादा नहीं भूनना है। वो क्या है, निकालने से पहले थोड़ी किशमिश भी डाल दें इसमें, इसे भी भून लें। गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इसी पैन में जो घी बचा है इसमें हम और घी डाल देंगे और इसमें हम दाल भूंजेंगे। गैस हमने अभी जलाई नहीं है, पैन इतना गर्म है कि घी पूरा मेल्ट हो जाएगा। इसमें हम दाल डालकर पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर गैस को ऑन। ऐसा करने से हमारी दाल नीचे चिपकेगी नहीं। अच्छे से मिक्स कर लें। हमने घी और दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब गैस जला दिया है और इसे हम बहुत ही धीमे धीमे आंच पर इसे लगातार चलाते हुए भूंजेंगे। इसे आप लगातार ही चलाते रहें, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी। इसे धीमे धीमे आंच पर लगातार चलाते रहें। इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है, इसमें बहुत अच्छे से खुशबू आने लगेगी। अभी ये हुआ नहीं है, इसे और हमें धीमी आंच पे भूनना है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा और खुशबू भी अच्छी आने लगेगी। ये बहुत ही अच्छे से भून चुका है और हमने इसे धीमे धीमे आंच पर सुनहरा होने तक भूंज लिया है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसमें कोई भी लम्स नहीं आए। अगर आपके हलवे में आ जाए तो आप परेशान ना हो और उसे मिक्सी पे एक बार चला लें। हम कढ़ाई में ही इसको डाल देते हैं, तो कढ़ाई रख देते हैं, इसमें हमें चलाना में आसान होगा और हम पलट देते हैं। इसे तेज आंच में हमें लगातार चलाते रहना है। हमने आंच को मीडियम रखा है और इसे हम लगातार चलाते जाएंगे। अब हम इसमें केसर वाला दूध डाल देते हैं। इसे हमें पूरा अच्छे से सुखाना है, इसे पानी जलाने तक हमें लगातार चलाते जाना है। आंच को हमने सिम कर दिया है, अब हम खोआ भी डाल देते हैं और खोआ भी साथ में भूनते जाएंगे। इसे भी भूनते जाएं ताकि खोआ भी अच्छे से भून जाए। ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं और इसे लगातार हम भूनते रहें, लगातार चलाते रहेंगे धीमी आंच पे।
ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट हम थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। हलवा तैयार हो चुका है, भूनते भूनते पूरा घी छोड़ दिया है। अब हम इसे बाउल पे निकाल लेते हैं। हलवा तैयार हो चुका है, इसे हमने बाउल पे निकाल लिया है और हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे जो हमने ड्राई वाले निकाल के रखे थे थोड़े से। मूंग दाल का हलवा बहुत ही टेस्टी होता है, इसे आप धीमे धीमे आंच पर बहुत ही पेशेंस के साथ बनाएं और सभी को खिलाएं, बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।